मेरा नाम कुशांत कुमार है। मैं आज आपको लिफ्ट के मेन गेट के अराउंड टाइल कैसे लगाते हैं या जो इसकी टाइल इसकी जो लिफ्ट के वॉल पे वॉल क्लैडिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वॉल क्लैडिंग जो करते हैं लिफ्ट के गेट के अराउंड, उसमें कई मटेरियल यूज़ करते हैं। आप टाइल यूज़ कर सकते हैं, उसमें ग्रेनाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसमें इटालियन मार्बल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें टाइल वर्क यूज़ किया गया है। इसमें टाइल जो लगाई गई है वो 1 फीट बाय 2 फीट के साइज की टाइल लगाई गई है, और साथ में ही इन्होंने एक डिस्टेंस पे हाइलाइटर का यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस स्टेज पे इसकी वॉल क्लैडिंग करनी होती है। इसकी वॉल क्लैडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरत वाली जो चीज़ होती है कि आपके लिफ्ट का डोर लग चुका हो कम से कम, क्योंकि अगर आप उससे पहले अगर आप वॉल क्लैडिंग कर लेते हैं तो जो डोर होता है उसमें कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, और वो प्रॉपर लोकेशन पे जो टाइल फिट नहीं होती है तो उसमें आपको गैप दिखता है। फ्रेंड्स, ये जो टाइल वॉल क्लैडिंग की हुई है, इसमें जो टाइल वर्क किया हुआ है इसमें 1 फीट विड्थ तक किया हुआ है इसके चारों तरफ। तो अगर आप करना चाहें तो इस डोर को पूरे ही आप इस विड्थ तक, जो चौखट है चौखट के विड्थ तक आप इसमें वॉल क्लैडिंग कर सकते हैं और ऊपर तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 1 फीट तक दिया हुआ है वो करने का रीज़न ये है कि यहाँ तो क्या कहते हैं आपको 2 फुट की कम से कम स्पेस मिलता है, तो यहाँ आप बिल्कुल 2 फुट तक लगा सकते थे। बट जब हम इस साइड जाते हैं तो आप ये देख रहे हो यहाँ स्टेयरकेस खत्म हो रही है, तो यहाँ के बाद सिर्फ 1 ही फुट का स्पेस मिल रहा था, तो इसलिए इसके चारों ओर जो अराउंड जो है वो 1 फीट तक टाइल क्लैडिंग वॉल क्लैडिंग की हुई है। फ्रेंड्स, जो लिफ्ट का डोर का साइज होता है वो स्टैंडर्ड डोर साइज होता है, जो ओपनिंग होती है वो लगभग 6 फुट 10 इंच का है, और इसकी जो डोर की ओपनिंग है वो 2 फुट 8 इंच की है। जैसा कि आप मेरे पास पीछे देख रहे हैं, इसमें क्या है कि हर 2 फीट की टाइल लगा के 1 बाय 2 फीट की टाइल लगाई है, 2 फीट के बाद हाइलाइटर दिया हुआ है, तो 3 हाइलाइटर इस पर यूज़ किए गए हैं। और साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो टाइल लगाई है दोनों फेस पे, इसमें वी ग्रुप दिया हुआ है। जो आप ये कॉन्ट्रैक्टर को आपको बताना पड़ता है कि उसको वी ग्रुप टाइल दे के लगानी है, नहीं तो वो क्या करेगा, या तो एक के ऊपर एक टाइल चढ़ा के लगा देगा और वो बहुत गंदी लगेगी।